रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में 175 रन की नाबाद पारी खेलने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मार दोस्तों, उसके बाद जब गेंदबाजी की बारी आई तो गेंदबाजी में श्रीलंकाई बल्लेबाजों के पर खर्चे उड़ा के रख दिए। लगातार 5 गेंदों में टेस्ट में 5 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों, भारत ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 574 रन का बड़ा स्कोर दिया था श्रीलंकाई टीम को, जिसमें रविंद्र जडेजा का बड़ा योगदान था। 228 गेंदों में 175 रन की नाबाद पारी खेली थी, 17 चौके 3 छक्के की मदद से, जिसका पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम ने 4 विकेट खोने के बाद 108 रन बना लिए दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक, जिसमें रविंद्र जडेजा ने दूसरे दिन पहली सफलता दिलाई। करुणा रत्ने को 28 रन के स्कोर पे LBW आउट कर दिया। मार दोस्तों, तीसरे दिन जो रविंद्र जडेजा ने किया वो काबिले तारीफ है। रविंद्र जडेजा ने सबसे पहले तो श्रीलंकाई विकेट कीपर बल्लेबाज नेल्सन डिकवेला को 2 रन के स्कोर पे आउट करवा दिया, और सुरंगा लकमल को तो जडेजा ने खाता में नहीं खोलने दिया और अश्विन के हाथों कैच आउट करवा दिया। विश्वा फर्नांडे को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया, इनको भी खाता नहीं खोलने दिया, जबकि लहरू कुमारा को जडेजा ने पहली गेंद पे बोल्ड मार दिया। रविंद्र जडेजा दुनिया के 5वें ऑलराउंडर बने जिनके नाम पहली पारी में 5 विकेट और 175 रन से ज्यादा हों।